पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराए गए। मुरादाबाद में 8 ब्लॉक हैं, जहां पर 6 ब्लॉकों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा तो एक ब्लॉक पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल करी। एक ब्लॉक पर जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल करी। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पवन कुमार ने सभी पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया और किए जा रहे व्यवस्थाओं को लेकर कहा है कि सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न कराया गया है और सभी को जीत का प्रमाण पत्र भी दिया गया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद के 6 ब्लॉकों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। आने वाला समय भी भारतीय जनता पार्टी का है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में यूपी पंचायत राज व कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने मुरादाबाद की 8 ब्लॉक प्रमुख सीट में से 6 पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के विजयी होने पर कहा कि ये जनता का विश्वास है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया और उन्हें जिताया है। उत्तर प्रदेश में कई जगह हंगामे हुए पर भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो अपनी हार को पचा नहीं पा रहे। लोकतंत्र में जनता का निर्णय अंतिम होता है, जनता ने ही उन्हें जिताया है। समाजवादी पार्टी अपनी हार नहीं मान रही, माहौल खराब करने का काम करके सरकार पर दोष लगा रही है और ये काम उनके मूल स्वभाव और उनके डीएनए में पहले से ही है। ब्लॉक प्रमुख की 8 सीटों में से 4 पर निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित हो गए हैं, जिसमें 3 भारतीय जनता पार्टी के तो एक समाजवादी पार्टी के पाले में आया। आज 4 ब्लॉक प्रमुख पद के लिए हुए मतदान में 3 भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवार ब्लॉक प्रमुख बने हैं तो वहीं एक निर्दलीय उम्मीदवार ब्लॉक प्रमुख बना है। जनपद में 8 ब्लॉक प्रमुख सीट में 6 पर बीजेपी ने कब्जा किया है। जीते गए ब्लॉक प्रमुख बिलारी से रूपा देवी, डिलारी से पूनम चौधरी, मुरादाबाद ब्लॉक से मनीष कुमार बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए। कुदरकी ब्लॉक प्रमुख सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नगमा जिलानी निर्विरोध निर्वाचित हुई। ठाकुर द्वारा ब्लॉक प्रमुख सीट पर निर्दलीय संजना देवी, छजलैंड ब्लॉक से बीजेपी उम्मीदवार राजपाल सिंह, भगतपुर टांडा ब्लॉक सीट पर बीजेपी उम्मीदवार संतोष सिंह व मुंडा पांडे ब्लॉक से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर नवदीप यादव ने जीत दर्ज कराई। मुरादाबाद में 4 ब्लॉकों पर हुए मतदान को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा सभी केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे और सभी को ये निर्देश दिए गए थे कि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पवन कुमार ने भारी पुलिस बल के साथ जनपद मुरादाबाद से ठाकुर द्वारा मुंडा पांडे, छजलैंड, भगतपुर टांडा के पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने सभी मतदाताओं से बातचीत की और कहा कि यहां पर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। बारी बारी जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने सभी मतदाताओं से बातचीत की। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था का भी जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह द्वारा जायजा लिया गया। मौजूद अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए कि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो उच्च अधिकारियों को सूचित करें। पोलिंग बूथों पर आने वाले मतदाताओं की समस्याओं को सुनने के साथ साथ उनका समाधान भी तुरंत जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह द्वारा किया गया। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह का कहना था कि मुरादाबाद में 4 ब्लॉकों पर निर्विरोध चुनाव हुआ है तो वहीं 4 ब्लॉकों पर आज मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराया गया है। कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह का कहना है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में एक बड़े स्तर पर जीत हासिल कर रही है। आने वाले समय में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा रिजल्ट लेकर सामने आएगी। भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव जब होता है तो हम लोग उसे फाइनल ही मानते हैं और हम पूरी ताकत के साथ अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता, उनकी मेहनत और अपने नेतृत्व के विश्वास के आधार पर ही हम सब लोग चुनाव लड़ते हैं और हमारे लिए कोई सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल नहीं है। हमारे लिए चुनाव चुनाव है और चुनाव के लिए हम राजनीतिक ताकत जो हमारी है उस पूरी ताकत को इस्तेमाल करके अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता, अपने नेतृत्व के प्रति विश्वास, उसके आधार पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं और जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं। और प्रदेश की महान जनता ने इस पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में व्यापक जनसमर्थन दिया है और उसी का परिणाम है कि हम अधिकांश ब्लॉकों में भी जीते हैं और अधिकांश जिला पंचायतों के अध्यक्ष में भी जीते हैं। आज मंदिर जी कई जगह इटावा, कन्नौज, कई जगह हंगामे हुए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि जो चुनाव हैं ये सेलेक्टेड वोटों के चुनाव हैं और इसमें स्थिति पहले स्पष्ट हो जाती है कि भाई वोट का नंबर किस दल के, किस व्यक्ति के पास है। तो समाजवादी पार्टी का जो कल्चर है, उनका अराजकता का, वो सहज हार स्वीकारने तैयार नहीं है और वो इसे कहीं ना कहीं हंगामे के रूप में प्रदर्शित भी कर रहे हैं। मेरा कहना ये कि सरकार ने बिल्कुल स्मूथली और बिल्कुल पारदर्शी व्यवस्था के साथ चुनाव कराने की योजना बनाई है, व्यवस्था की है और हम लोग उसमें सफल रहे हैं। कहीं इक्का दुक्का घटनाएं हुई हैं तो उसमें जिन लोगों की संलिप्तता है,
सरकार विधि संपत्त उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। आपने देखा जैसे कल ये विषय आया था कि लखीमपुर में इस तरह की घटना हुई है, उसमें भी संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है और जो लोग इसमें वांछित थे, अपराध जिन्होंने ये कृत्य किया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई सब की है और उन्हें गिरफ्तार करके दंडित किया गया है। आज के लोगों में चिन्हित करके कार्रवाई? हाँ, निश्चित रूप से जो भी दोषी हैं, जो लोग कानून अपने हाथ में लेने का काम करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। लेकिन मेरा कहना ये है कि समाजवादी जिस तरह अपनी हार सुनिश्चित मानकर एक माहौल खराब करने का काम, सरकार पर दोषारोपण करने का काम ये कर रही है, ये उनके मूल स्वभाव में है, उनके DNA में है, ये पूर्व में वो करते रहे हैं और उनका अनुभव है, वो अपने हार पचा लें, क्योंकि लोकतंत्र में जनता का निर्णय अंतिम है। जनता ने अपना निर्णय दे दिया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता ने निर्णय दिया है और उसी का ये परिणाम है।